Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक बार के लिए फर्ज कीजिए कि एक डॉक्टर साहब हैं जिन्हें चार पांच दवाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है. ये दवाइयां असल में करती क्या है, कैसे बनती हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है. लेकिन ये दवाइयां चर्चित हैं, पॉपुलर हैं, ये वो जानते हैं. जो भी मरीज, जो भी बीमार उनके पास आता है, उसको पर्चे में पांचों दवाइयां लिखकर दे देते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन पांचों में से कोई ना कोई दवाई इस मरीज को लग जाए और वो ठीक हो जाए. देखिए, बिल्कुल यही हाल अनेकों ट्रेडर्स का है जो कि चार्ट्स पर अंधाधुन इंडिकेटर्स डाल देते हैं. जिस भी इंडिकेटर का नाम सुना उसे चार्ट पर डाल दिया और फिर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनमें से कोई ना कोई इंडिकेटर करोड़ों कमा दे मुझे. देखिए, इस तरह करोड़ों की कमाई नहीं होती. आज के बाद फालतू के इंडिकेटर्स देखना बंद करें. हर इंडिकेटर का अपना फायदा नुकसान है. इंडिकेटर्स बिल्कुल दवा की तरह, मेडिसिन की तरह होती हैं. मात्रा में अमृत का काम करती हैं और कुमात्रा में विष का काम करती हैं. तो कौन सा इंडिकेटर कब देखना है, कैसे उपयोग करना है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. तो सारे काम छोड़ दीजिए और आज के वीडियो को अंत तक देखिए. नमस्कार, जय श्री राम. देखिए, इंडिकेटर्स अजूबों से कम नहीं होते हैं. अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई इंडिकेटर्स कोरी बकवास है, छोड़ दो इंडिकेटर्स, केवल प्राइस एक्शन देखो, खुश रहो, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति इंडिकेटर्स की ताकत से अनजान है या फिर इंडिकेटर्स को समझ पाने में असमर्थ रहा है और इसी वजह से केवल प्राइस एक्शन को तरजीह दे रहा है. देखिए, प्राइस एक्शन सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन फिर एक बार सोचिए कि इसी प्राइस एक्शन को बेहतर समझने के लिए, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखने के लिए इंडिकेटर्स बने हैं. इंडिकेटर्स स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. जिस तरह देखिए इकोनॉमिक डेटा को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस डेटा को देखने के लिए, समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही प्राइस, वॉल्यूम और ब्रेथ के डेटा को देखने के लिए चार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल को इंडिकेटर एनालिसिस कहते हैं. तो इसलिए इंडिकेटर्स जरूरी हैं, इनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोग इंडिकेटर्स का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं. यानी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते समय बिल्कुल सोच विचार करते ही नहीं है. जो इंडिकेटर के बारे में सुना उसे चार्ट पर डाल दिया, उस पर बेतहाशा ट्रेडिंग कर बैठे. अब देखिए, इसमें मुनाफा आना तो दूर की बात, नुकसान आना तय है. तो इंडिकेटर्स को बड़े ही कायदे से, सलीके से और पूरी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना होता है. आज इस वीडियो में हम चार इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तमाम लोग उनका इस्तेमाल करते दिखते हैं. इन इंडिकेटर्स की असली भूमिका क्या है और इनकी विशेषता क्या है, कैसे देखे जाने चाहिए, इस पर आइए आज चर्चा करते हैं. शुरुआत करते हैं सबसे पहले मूविंग एवरेजेस से. जब से चार्टिंग है तब से मूविंग एवरेजेस हैं, क्योंकि सबसे कॉमन इंडिकेटर, सबसे पॉपुलर इंडिकेटर और सबसे दमदार मेरी मत में इंडिकेटर है मूविंग एवरेज. तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज असल में होता क्या है. मूविंग एवरेजेस हैं एवरेज क्लोज प्राइसेस. यानी अगर आपको हाई स्कूल की मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स याद हो तो आपने मीन के बारे में पढ़ा होगा. अरिथमेटिक मीन को मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं. यानी 20 दिन का मूविंग एवरेज निकालना हो तो पिछले 20 दिन की कीमतों को जोड़ा, 20 से भाग कर दिया, इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज और प्राइस के ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं. देखिए, जो मूविंग एवरेजेस हैं इनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है. यानी लोग बेवजह, बिना इन्हें समझे, जहां चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं. मूविंग एवरेज का असली इस्तेमाल डेटा को स्मूथ करने का होता है. यानी देखिए, प्राइस का डेटा अगर आप यूं देखें तो बहुत वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है. मूविंग एवरेज डाल देने से डेटा बिल्कुल स्मूथ और समतल हो जाता है. यह है फायदा मूविंग एवरेजेस का.
तो मान लीजिए आप कई सालों की हिस्ट्री देख रहे हैं जिसमें प्राइस बहुत वोलेटाइल रहा है और आप चाहते हैं कि एक ट्रेंड पता लग जाए, एक दिशा पता लग जाए और ये जो वॉलेटिलिटी है ये चार्ट पर से हट जाए। तो वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए, डेटा को स्मूथ करने के लिए मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। जितने टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं उसी के हिसाब से मूविंग एवरेज का चुनाव करना पड़ता है और ये भी पूरा एक विज्ञान है कि कौन से समय पर कौन सा मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो याद रखिए इस बात को कि मूविंग एवरेज के जरिए बाय सेल संकेत लेना ये उतना सफल नहीं रहता है, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेजेस को डेटा को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज का वो सही इस्तेमाल है। दूसरा इंडिकेटर जिसका भी बड़ा मिसयूज होता है, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, इसको कहते हैं RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कुछ साल पहले एक विमान में मैं सफर कर रहा था, एक बगल में साहब बैठे थे, जब उन्हें पता लगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, एनालिस्ट हूं, तो उनका पहला सवाल मुझसे ये था कि क्या आप भी RSI देखते हैं, क्योंकि RSI इतना चर्चित है, दुनिया के हर कोने में ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते पाए जाते हैं। देखिए RSI बहुत उपयोगी है और मेरा ये मानना है कि बाकी तमाम मोमेंटम इंडिकेटर्स के मुकाबले RSI सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन RSI को आमतौर पर 90% बार मैं देखता हूँ कि लोग बिल्कुल ही गलत ढंग से पढ़ रहे होते हैं। याद रखिए मेरी इस बात को, RSI लीडिंग इंडिकेटर है। दूसरी बात, RSI मोमेंटम पर आधारित होता है, इसका नाम में ही मोमेंटम है, मतलब ये कि ये आपको प्राइस चेंज की रफ्तार कितनी है ये बता रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ रहे हैं। तो देखिए RSI का मुख्य उपयोग ये है कि आप इसके जरिए कंडीशंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये तय कर सकते हैं कि अगर 70 से ऊपर RSI हुआ तो ये सिस्टम इस तरह काम करेगा, या 30 से नीचे RSI हुआ तो मैं इस तरह के ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसा करने से यानी कि RSI के फिल्टर से अपने शेयर को गुजारने से आप मोमेंटम को सही ढंग से पहचान सकते हैं, बजाय इसके कि केवल RSI देखकर बाई सेल करने का प्रयास करें, उसकी भी सफलता बहुत अधिक नहीं होती। अगर आप RSI को एक कंडीशन बना दें अपने निर्णय लेने की तो आप पाएंगे कि आप RSI का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। याद रखिए कि RSI मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम आपके चार्ट पर आपके स्टॉक में है या नहीं ये RSI बताता है। एक इंडिकेटर जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड वाकई में सुपर इंडिकेटर है, बहुत गजब का इंडिकेटर है और बहुत सिंपल दिखता है। सुपर ट्रेंड को जब चार्ट पर डाल दें तो आपको लगता है वाह जीवन कितना आसान है, बस यहाँ बाय करें और यहाँ सेल करें और बस पैसे छपते ही जाएंगे, काश के चीज़ें इतनी आसान होती। सुपर ट्रेंड की भी अपनी विवशताएँ, अपनी मर्यादाएँ, अपनी सीमाएँ हैं, तो जब आप वो समझेंगे तब आपको लगेगा कि इसका भी एक सीमित इस्तेमाल है। सुपर ट्रेंड पर अंधाधुंध ट्रेडिंग संभव नहीं है, उसको आप कितना ही बैक टेस्ट करके देख लें, अगर केवल सुपर ट्रेंड के बाय सेल आप ट्रेड कर रहे हैं तो नतीजे बहुत ही पॉजिटिव नहीं होंगे। कुछ कालखंड के लिए हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आप इससे सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर सुपर ट्रेंड का उपयोग क्या है? सुपर ट्रेंड आपको बताता है कि आपके स्टॉक में फिलहाल बाय की ग्रीन लाइट है या सेल की रेड लाइट है, यानी ट्रेंड को पहचानने में सुपर ट्रेंड आपकी मदद करता है। आखिर इंडिकेटर के नाम में ही ट्रेंड है, तो जब कभी सुपर ट्रेंड लगाएं आप इसका इस्तेमाल केवल ट्रेंड की ग्रीन लाइट या रेड लाइट पहचानने के लिए करें। देखिए अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है इसका मतलब हरी झंडी है, हरी ग्रीन लाइट है बाय करने के लिए, यानी कि दिशा पॉजिटिव है। टाइमिंग कैसे हो, एग्जिट कैसे हो, कहां लेना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इन तमाम चीजों के फैसले अलग से कीजिए। उसी तरह से अगर सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है इसका मतलब अभी सेल करने की लाल सिग्नल चार्ट पर दिख रहा है, अब आपको सेल करने के मौके तलाशने हैं। तो केवल ट्रेंड का अंदाजा सुपर ट्रेंड से लें तो सुपर ट्रेंड का भी आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा इतना ही पॉपुलर इंडिकेटर है VWAP। VWAP देखिए बहुत उपयोगी है, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वरदान है VWAP। तो VWAP के बिना तो देखिए आप काम नहीं कर सकते, ये इतना जरूरी है। लेकिन ये VWAP होता क्या है? देखिए VWAP वॉल्यूम और प्राइस दोनों का समावेश कर देता है और जिस दाम पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा समय तक प्राइस रहता है वो VWAP का दाम निकल करके आता है, और VWAP का दाम रोजाना नया हो जाता है, रिसेट हो जाता है।
तो यह है वजह कि VWAP इतना उपयोगी माना जाता है। याद रखिए, VWAP एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी आपको एक ऐसा लेवल दे देता है जिस लेवल को जहन में रखकर आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो VWAP एक तरह की लक्ष्मण रेखा है और इस लेवल को उसी दृष्टिकोण से आपको देखना है। तो आपने देखा कि हर इंडिकेटर का अपना इस्तेमाल है। अच्छा एनालिस्ट वो होता है जिसको ये पता होता है कि कौन सी परिस्थिति में कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा काम आएगा, और वो सही इंडिकेटर का चुनाव करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अच्छे डॉक्टर को ये पता होता है कि इस मर्ज के लिए कौन सी दवा सबसे जल्दी और सबसे कम साइड इफेक्ट के साथ काम करेगी। तो इसीलिए आइंदा जब कभी अपने चार्ट पर कोई नया इंडिकेटर डालने वाले हों, पहले उस इंडिकेटर को अच्छे से समझें, क्या उस इंडिकेटर की उपयोगिता आपको है ये पहले जांच लें। एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं कि अधिकांश इंडिकेटर्स सिमिलर से बहुत ही मिलते जुलते लॉजिक पर आधारित होते हैं। जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स आमतौर पर एक से ही लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। अब अगर आप अपने चार्ट पर चार मोमेंटम इंडिकेटर्स डाल देते हैं तो आप एक स्टैटिस्टिकल बायस के शिकार हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। जी हां, यानी एक तरह का एक ही इंडिकेटर अपनी स्क्रीन पर डालें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं और पता नहीं लगती आपको, केवल इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसने बीड़ा उठा रखा है बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड साफ रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज आप तक पहुंचाने का। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप इन चार में से कोई इंडिकेटर यूज करते हैं मुझे बताइए। अगर आप अंधाधुंध कई सारे इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही से इसको बंद कीजिए, हर इंडिकेटर्स को जांच परख कर सही तरह से सही डोजेज में यूज करिए। ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और इंडिकेटर्स का भी। और हाँ, आपके कोई मित्र दोस्त परिचित अगर इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।